Good morning, students. In previous video, we have studied about panch, sarpanch and upsarpanch. In this video, we will know about the gram panchayat. जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्राम पंचायत का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अव्यय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। इसीलिए अव्यय ग्राम पंचायत भवन में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर 5 पंचेज पहुँचे हुए हैं और मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने के लिए ये कम से कम 50% या उससे अधिक पंचों का वहाँ पे प्रेजेंट होना आवश्यक है, तभी मीटिंग यह स्टार्ट हो सकती है। कमलपुर पंचायत में टोटल 12 पंचेज हैं और उनमें से 5 पंचेज प्रेजेंट हैं और वहाँ 2 से अधिक पंचेज के आने के बाद ही मीटिंग स्टार्ट हो सकती है। जैसे ही 2 या 2 से अधिक पंचेज आ जाते हैं, मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले के सेक्रेटरी के लास्ट मीटिंग में लिए गए डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद पारसवारा के पंच कहते हैं कि उनके विलेज में वेल का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, इसीलिए वहाँ के लोगों का कहना है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम में यदि आ जाता तो वह रेन वाटर को अधिक से अधिक कलेक्ट किया जा सकता था। इस तरह के स्कीम अच्छे होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। ये चंगोरा के पंच कहते हैं कि प्रीवियस मीटिंग में चंगोरा को मेन रोड से जोड़ने वाले ये प्रपोजल पंचायत में अप्रूव्ड हो गया था और वह ब्लॉक समिति में अमाउंट अप्रूवल के लिए गया था। यह काम कितने ये डेवलपमेंट पर है। ये कलावती सरपंच रिप्लाई करती हैं और कहती हैं कि अप्रूवल अमाउंट पंचायत में आ गया है और आप जल्द ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। गांधी वार्ड के पंच कहती हैं कि उनके ये वार्ड में प्राइमरी स्कूल है, ये उसमें 4 टीचर हैं। एक टीचर कंटिन्यू पढ़ाती है, एक टीचर अधिकतर समय छुट्टी पर रहती हैं, 2 टीचर सर्वे कार्य में बिजी रहती हैं। इस तरह से स्कूल में रेगुलर पढ़ाई कैसे हो सकता है। सरपंच कलावती कहती हैं कि मैं इस मैटर को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तक पहुंचाऊंगी। ये उमाबाई मदनपुर वार्ड के पंच हैं, वो कहती हैं कि उनके वार्ड में ये मलेरिया और जॉन्डिस वाइल्डली स्प्रेड कर रहा है। इसे रोकथाम के लिए वेल पॉन्ड में ये मेडिसिन छिड़काव करना, स्प्रे करना बहुत आवश्यक है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकती हूँ, लेकिन इसके लिए पैसे की आवश्यकता है। सरपंच खड़े होते हैं और कहते हैं कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी वार्ड के पंचों को ले लेना चाहिए, क्योंकि सभी को मेडिसिन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सरपंच आगे कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ये मुंगेली पेंड्रिया रोड टू कमलपुर ड्राफ्ट किया गया है और उस पे ये सभी से सिग्नेचर लिया जाता है और कुछ समय बाद मीटिंग ओवर हो जाती है। अब है एक सरपंच कलावती से पूछता है कि मैं मीटिंग अटेंड करने के बाद यह समझ में आता है कि पंचायत का काम रोड कंस्ट्रक्ट करना है और इसके अलावा और कौन से काम हैं। सरपंच कलावती कहती हैं कि ये रोड कंस्ट्रक्ट करने के अलावा पंचायत के पास बहुत से कार्य होते हैं, जैसे ये विलेज को क्लीन करना, ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन करना, ड्रेनेज सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेनेंस ऑफ रोड, बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, बर्थ, डेथ एक्सेट्रा, गवर्नमेंट स्कीम एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना,
विलेज डेवलपमेंट के लिए ये प्रपोजल कंस्ट्रक्ट करना, ये सभी कार्य होते हैं पंचायत के। ये अभय कहता है, मैम आप लोगों का तो कार्य बहुत है, इस कार्य को करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। कलावती कहती हैं कि इसके लिए पैसे ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम एग्जीक्यूट करने में भी ग्राम पंचायत सहयोग करता है, और विलेज डेवलपमेंट प्रपोजल अप्रूव्ड होने पर अमाउंट आता है जिससे कि कार्य किया जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत टैक्स भी कलेक्ट करता है, जैसे क्लीनलीनेस, शॉप ऑफ द मार्केट, शॉप ऑफ द फेयर। इसके अलावा माइंस ऑफ द सैंड, स्टोन एंड मुरम पर भी टैक्स लिए जाते हैं, और इस तरह से ग्राम पंचायत अपना कार्य करती है। इस तरह से एक सप्ताह के बाद सभी बच्चे क्लास में इकट्ठे होते हैं और अपने अपने पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। संध्या कहती है कि उसे ये गर्व है कि उसके ये पंचायत में ये सरपंच एक वुमेन है, और यह तभी संभव हो सका जब वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने के कारण ही ये सब हो सका। जैसे कमलपुर वार्ड में, कमलपुर पंचायत में 12 पंचेज हैं, उनमें से 4 पंचेज का सेट वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, और उस रिजर्व्ड सीट पर केवल वुमेन ही कैंडिडेट हो सकती हैं, वुमेन सरपंच ही हो सकती हैं। लेकिन जो सीट अनरिजर्व्ड होता है, उस अनरिजर्व्ड पर भी जो रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अनरिजर्व्ड सीट पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं वे पार्टिसिपेट करते हैं। चंपा कहती है कि मैम समाज में तो सभी समान हैं, फिर ये रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। फिर टीचर रिप्लाई करती हैं कि नहीं बच्चे, सभी समान नहीं हैं समाज में, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते, और उन्हें साथ लेने के लिए, समाज में इक्वल बनाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन देना आवश्यक है, जिससे कि वे ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ काम कर सके, समाज में समानता लाया जा सके। यह ग्राम सभा है, यह और ग्राम सभा का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सुभाष को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इसीलिए सुभाष ग्राम सभा में आया हुआ है। यह रंजना क्वेश्चन करती है कि यह क्या ग्राम सभा में सभी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुभाष रिप्लाई करता है कि हाँ, ग्राम सभा में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग देने में 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अधिक उम्र वाले ही वोट कर सकते हैं। सुभाष ग्राम सभा में आता है और देखता है कि मीटिंग स्टार्ट हो गया है, और मीटिंग में जो लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो लाइफ जीवन यापन करते हैं उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है जिसमें पॉवर्टी लाइन से बिलो यापन करने वाले जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक स्कीम है कि स्टोव, सिलेंडर और स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसीलिए भोला काका जो पंच हैं वे पॉवर्टी लाइन से नीचे के जीवन यापन करने वाले लोगों का नाम पढ़ रहे हैं। नाम पढ़ने के बाद कुछ लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं कि लखन का तो पक्का का घर है और उसके पास मोटरसाइकिल भी है, तो वह गरीबी ये रेखा से नीचे जीवन यापन कैसे कर रहा है। भोला काका रिप्लाई करते हैं कि वह जो पक्का का घर बनाया और गाड़ी लिया है वह लोन पर किया है, और
इसीलिए वह पॉवर्टी लाइन से बिलो जीवन यापन कर रहा है। कुछ लोग रिप्लाई करते हैं कि नहीं, यदि वह लोन लेकर बनाया है तो वह उसका लोन पे कर सकता है, उसके पास इतने पैसे हैं। फिर उसका नाम पॉवर्टी लाइन से बिलो लिस्ट से हटा दिया जाता है, स्ट्रोक ऑफ कर दिया जाता है। इसी तरह से फोर और लोगों का नाम पॉवर्टी के लाइफ पॉवर्टी लाइन से विलो जीवन यापन करने वालों के लिस्ट से हटा दिया जाता है। फिर किसी ने प्रश्न उठाया कि जो स्कूल में एक्स्ट्रा रूम के लिए पैसे दिए गए थे वह काम अभी तक हुआ नहीं। फिर बोला काका रिप्लाई करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर को वह काम दिया गया था वह बीमार है, इसीलिए यह काम पूरा नहीं हो सका। फिर रिप्लाई करते हैं लोग कि यदि वह बीमार है तो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को रख कर वह काम पूरा किया जाए। भोला काका कहते हैं कि हाँ, यह काम जल्द ही हो जाएगा। उसके बाद जो पैसे ये ग्राम सभा में आता है और स्पेंड होता है उसके बारे में चर्चा की जाती है। उसके बाद लास्ट में ये कहती है कि यह तो बहुत अच्छा व्यवस्था है जिसमें गांव के सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कोई विलेज डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल आता है तो ग्राम सभा के सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ग्राम सभा में वह अप्रूव्ड हो जाता है, तभी ग्राम पंचायत उस पर कुछ कार्य कर सकती है। यदि वह ग्राम सभा में अप्रूव नहीं होता तो ग्राम पंचायत उस पर कोई कार्य नहीं कर सकती। और इस तरह की व्यवस्था को देख कर केकति को काफ़ी खुशी होती है और कहती है कि यह बहुत ही अच्छा व्यवस्था है जिसमें यह गांव के सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, देश के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं।